हेलो व्यूवर्स, कायनात के किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ चाउमीन या नूडल्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह मैंने चढ़ा दिया है पानी गर्म होने के लिए। जब पानी अच्छे से गर्म हो जाएगा इसमें डाल देंगे हम नूडल्स। ऐसे खड़े खड़े डाल देंगे नूडल्स को, वो अपने आप अंदर चले जाएंगे पकने के बाद। ये देखें, यहाँ मैंने काट लिए पत्ता गोभी, गाजर, हरी मिर्च और यहाँ अदरक लहसुन प्याज हरी मिर्च बारीक कट कर लिए। ये देखिए, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक। और थोड़ा सा ऑयल, इससे नूडल्स हमारे स्टिकी नहीं होंगे। ये देखिए, अब ये नूडल्स हमारे पक चुके हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे, ठंडे पानी में इसे धो लेंगे। उससे वो क्या होगा कि ओवर कुक नहीं होंगे हमारे नूडल्स। ये देखिए, मैंने इसे धो लिया है ठंडे पानी से। अब यहाँ चढ़ा दूँगी कढ़ाई। अब इसमें डाल दिया मैंने ऑयल, गरम हो गया ऑयल अच्छे से हमारा। डाल देंगे इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन और अदरक बारीक कटा हुआ और हरी मिर्च, और डाल देंगे प्याज। इसे फ्राई कर लेंगे हल्का सा। प्याज को हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस हल्का सा। इसमें स्मेल नहीं आना चाहिए कच्चेपन की। अब डाल देंगे इसमें कैरेट, इस हरी मिर्च। आप शिमला मिर्ची भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैंने सिर्फ ये दो सब्जियां डालकर बनाया है। इसमें डाल देंगे हम पत्ता गोभी, और एक बार अच्छे से ये सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे हल्का सा। अब डाल देंगे इसमें हमारे नूडल्स। अब ये सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यह मैंने ले लिया है 2 चम्मच, और उसके हेल्प से इस तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि चम्मच के आगे के हिस्से से नहीं हो पा रहा था ये अच्छे से मिक्स, इसलिए मैंने जुगाड़ लगा लिया। यहाँ डाल दी हूँ मैं टमाटर सॉस। अब डाल देंगे सोया सॉस, एक ढक्कन यानी 1 चम्मच, विनेगर, और यहाँ डाल रही हूँ मैं मैगी मसाला। अब डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार। नमक थोड़ा कम डालेंगे क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है और भी सॉसेस में नमक होता है, तो थोड़ा कम डालेंगे। मैं यहाँ 1/2 टीस्पून मिर्ची पाउडर डाली हूँ। अब चाहें तो डालें वरना स्किप भी कर सकते हैं। आप यहाँ सेजोन सॉस भी डाल सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है वो भी खाने में। इसे अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, हमारे नूडल्स बनके तैयार हैं। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और मेरे वीडियोस को लाइक करिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलते हैं आपसे ऐसे ही सिंपल और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।